प्रश्न है, नार्सिसिस से पहली ही मुलाकात में मुझे हीन भावना महसूस हुई, जो कि अब बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि उसने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। इस हीन भावना से कैसे निकलें? देखिए, सामान्य तौर पर ये अवधारणा है, ये एक मान्यता है कि हमारे जो हीन भावना है वो हमारे अचीवमेंट्स की कमी की वजह से, हमारी लाइफ की परिस्थितियों के फेवरेबल ना होने से पैदा होती है। लेकिन ये मान्यता सही मान्यता नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव है कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हों, आपकी लाइफ सिचुएशन आपके फेवर में हो, उसके बावजूद भी आप हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट इंस्टिंक्टिवली ये बात समझता है और इसी तरीके से वो दूसरे लोगों को हीन भावना का शिकार बनाता है। तो ये कैसे होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा अपने मेंटल प्रोसेस को समझेंगे तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हम कैसे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो सबसे ऊपर का माइंड है, यानी जो हमारे माइंड की जो पहली लेयर है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड हमारा लाइफ को फेस करता है, क्योंकि ये सबसे आगे का माइंड है, सबसे टॉप लेयर का माइंड है, सबसे फ्रंटल माइंड यही है हमारा। तो ये कॉन्शियस माइंड हमारे एनवायरनमेंट को सबसे पहले फेस करता है, और जब ये हमारे आसपास के वातावरण में, लाइफ सिचुएशन में हमारी ये पाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है, तो इसमें इसको एक तरीके का रीएश्योरेंस मिलता है, एक तरीके का आश्वासन मिलता है। आश्वासन मिलते ही हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम बहने लग जाती है, कॉन्शियसनेस की एक धारा बहने लग जाती है, जिस धारा के अंदर एक रीएश्योरेंस होता है, और धीरे धीरे ये धारा बहते बहते हमको हमारे नेचुरल सेल्फ में ले करके जाती है। तो हम जब नेचुरल सेल्फ में अपने पहुंच जाते हैं इस धारा की मदद से, तो हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, हम आराम में महसूस करते हैं। जितना हम आराम महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं अपने वातावरण से रीअश्योरेंस ले करके, उतना ही हमारा आत्मसम्मान या हमारी सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है। तो हमारी रिलैक्स होना, हमारे नेचुरल सेल्फ में होना, वातावरण से एक तरीके का रीअश्योरेंस लेना और हमारी सेल्फ स्टीम, ये सब आपस में जुड़ी हुई है। अब अगर मान लीजिए कि आपके वातावरण में कोई ऐसी चीज हो जाए, या आपकी लाइफ सिचुएशन में कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे कि आपको ये रीएश्योरेंस ना मिल पाए या आश्वासन ना मिल पाए कि सब कुछ ठीक है, तो क्या होगा? आप अपने जो आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें एश्योरेंस नहीं होगा, उसमें एक तरीके का डिसोनेंस होगा, उसमें एक तरीके का विरोधाभास हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, एक तरीके की कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगी उसके अंदर। तो जब उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो क्या होगा? तब आप अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं रह पाएंगे। नेचुरल सेल्फ में अगर आप नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा? तो आप जब नेचुरल सेल्फ में नहीं रह पाएंगे तो आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। रिलैक्स नहीं रह पाएंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम नीचे गिरेगी और आपको हीन भावना का झटका लगेगा। नार्सिसिस्ट ऐसे ही हमको झटका देता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, ये कई तरीके से किया जा सकता है, यानी इस तरीके का झटका आपको कई तरीके से दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी नार्सिसिस्ट से बात करने जाएं और वो जो है, आप जब बात कर रहे हो उस वक्त अपने फोन को देख रहा हो, यानी अपना फोन चला रहा हो, और आपकी बात पे कोई ध्यान ही ना दे रहा हो, तो इससे आपको झटका लगेगा, आपका रीअश्योरेंस टूट गया, क्योंकि आपको आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब आप बात करें तो दूसरा व्यक्ति कोई और चीज ना करके बल्कि आपकी बात को ध्यान से सुने, लेकिन वो तो आपकी कोई बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, वो तो अपना मोबाइल देख रहा है। तो उससे आपको एक झटका लगता है और झटका लगने से आपका रीअश्योरेंस टूट जाता है और आप अपने नेचुरल सेल्फ से बाहर आ जाते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि नार्सिसिस्ट को कोई बात बता रहे हो अपनी, और आपकी बात अभी पूरी ना हुई हो, इसी बीच नार्सिसिस्ट किसी दूसरे से बात करने लग जाए, जैसे कि आपकी बात का कोई महत्व ही ना हो या आपके बात करने का कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो, तो आपको तुरंत झटका लगेगा और आपका ये सेल्फ, आपका जो रीअश्योरेंस है एनवायरनमेंट से, ये टूट जाएगा और आपकी सेल्फ स्टीम को झटका लगेगा, आप हीन भावना का शिकार हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। या फिर नार्सिसिस्ट ऐसा करे कि आपसे बात करने के दौरान कोई और अपना जरूरी काम शुरू कर दे तो आपको झटका लगेगा। या फिर इसको और कई तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप नार्सिसिस्ट के पास जाएं और वो बहुत ही धीमे धीमी गति से, बहुत धीरे धीरे बोले। सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत है, मान लीजिए कोई हल्की इमरजेंसी या इस तरीके की कोई सिचुएशन है, जल्दी जल्दी बोलना चाहिए, लेकिन वो एकदम बहुत ही काम कंपोज्ड
और एकदम धीरे धीरे बोल रहा है, तो इससे आपको झटका लगेगा क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है उसकी तरफ से। तो आपसे इतने धीरे धीरे बात कर रहा है, इतने काम और कंपोज्ड वे में बात कर रहा है, और आप इतने पैनिक सिचुएशन में है, तो इससे तुरंत आपका जो रीअश्योरेंस है वो टूट जाएगा, और आपको जो है जैसे ही रीअश्योरेंस टूटेगा आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और आप अनकंफर्टेबल होने से आपकी सेल्फ स्टीम नीचे आएगी और तुरंत आपको हीन भावना का एक झटका लगेगा। या फिर नार्सिसिस्ट बहुत ही तेजी से आपके सामने बोलने लग जाए, मान लीजिए बहुत ही तेजी से जोर जोर से चीख चीख करके तेजी से बोलने लग जाए, जैसे कि कन्हैया कुमार बोलता है, तो जब वो उस तरीके से बोलने लग जाएगा उससे भी हमको झटका लगता है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई इस तरीके से चीख चीख करके हमारे सामने बोलने लग जाएगा, तो उसे झटका लगता है हमें, और झटका लगने से हमारी जो सेल्फ स्टीम है नीचे आती है और उससे हम इन भावना का शिकार हो जाते हैं। या फिर नार्सिसिस्ट जो है वो इस तरीके से बोले जैसे कि बहुत ही बिटरनेस के साथ बात करने लग जाए, बहुत ही बिटरनेस और उसमें वेनमस स्माइल्स भी के साथ को भी ऐड कर दे, तो फिर हमें एक झटका लगेगा। जैसे ये केजरीवाल का स्टाइल है, बहुत ही बिटरनेस के साथ बात करना और वेनमस जहरीली मुस्कान भी उसमें ऐड कर देना, तो जब ऐसे कोई बात करता है तो तुरंत हमारा जो रीअश्योरेंस है वो टूट जाता है। जब रीअश्योरेंस टूट जाएगा तुरंत हमारा कंफर्ट लेवल नीचे आ जाएगा, और जब हमारा कंफर्ट लेवल नीचे आ जाएगा हमारे नेचुरल सेल्फ में नहीं रहेंगे तो हमको हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो नीचे गिरेगी, हीन भावना का हमें झटका लगेगा। या फिर और बहुत से तरीके हैं जिससे इसको किया जा सकता है। नार्सिसिस्ट इनमें से कई तरीके अपना सकता है, या एक कोई इसका स्पेसिफिक तरीका हो सकता है, या कई तरीके अलग अलग तरीके से अपना सकता है, कई सिचुएशंस में अलग तरीके से इसको अपना सकता है ताकि आपको हीन भावना का ये झटका दे सके। मान लीजिए नार्सिसिस्ट बहुत ही गैप दे दे करके बात करता, अगर गैप दे दे करके बात करेगा तो गैप देने से भी हमारे हमकारा रीअश्योरेंस टूटता है कि इतनी गैप दे करके क्यों बात कर रहा है, एक दो शब्दों के बीच में जितने नॉर्मल गैप होना चाहिए उससे ज़्यादा गैप दे करके बात कर रहा है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज़्यादा गैप देते थे, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से गैप देता है तो उससे भी हमारा रीअश्योरेंस टूटता है और हम हीन भावना का झटका हमें लग सकता है। या फिर हम अनक्लियर शब्दों में बोलने लग जाए, हमारे शब्द क्लियर ना हों, जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से आधे शब्दों में ही हम बोलने लग जाएं, तो जब हम पूरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं बोलते वक्त, आधे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम दूसरे को इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि उसके सामने हम पूरे शब्दों का इस्तेमाल करें। नरेंद्र मोदी के अंदर भी ये इस तरीके की टेक्निक वो यूज़ करते हैं कि वो पूरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी कभी, जब दूसरे को उनको थोड़ा झटका देना होता है या फिर वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड सिचुएशन में होते हैं। तो अगर वो आधे अधूरे शब्दों का प्रयोग करके बात कर रहा है तो इससे हमें एक तरीके की लिस्पिंग टाइप की कर रहा है, आधे अधूरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो इससे भी हमें झटका लगता है, हमारी सेल्फ स्टीम नीचे आती है और हमें हीन भावना महसूस होती है, हम अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं रह पाते। या फिर आपने देखा होगा कि कोई बहुत ही एरोगेंट टोन में हमसे बात करे तो फिर इसी तरीके की हीन भावना का हमें झटका लगता है। या फिर देखिए हर काल परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम ड्रेस पहनना हमारे लिए जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिस तरीके की ड्रेस पहन करके आना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में, उससे ज़्यादा ड्रेस वेल ड्रेस्ड होकर के अगर आ जाए तो फिर उससे भी हमें झटका लगता है, हम हीन भावना महसूस कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रात में पता चला रोड पर एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद पुलिस आती है, अब पुलिस ऑफिसर आया, पुलिस ऑफिसर के जो स्टार्स हैं एकदम चमक रहे हैं, बूट एकदम पॉलिश है, ड्रेस एकदम वर्दी एकदम वेल प्रेस्ड है, तो जब हम इस तरीके से देखते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो हमें झटका लगता है कि अरे इतनी बुरी सिचुएशन यहाँ पे है लेकिन ये व्यक्ति कितना वेल ड्रेस्ड है, तो तुरंत हमारा एक जो एश्योरेंस है वो टूटता है, हम उस व्यक्ति से तुरंत जो हमें आसपास के व्यक्तियों से जो हमें रीअश्योरेंस मिल रहा होता है वो पुलिस ऑफिसर के से हमें वो रीअश्योरेंस नहीं मिल पाता, और हम जो है अपने दुख को अपनी बुरी परिस्थिति को लेकर के जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके या देख पाने की बजाय उसको बहुत ही लो सिग्निफिकेंस में हम उसको देखने लग जाते हैं। या जैसे डॉक्टर को आप देखते हैं कि डॉक्टर कितना वेल ड्रेस्ड होकर के हॉस्पिटल में आता है और मरीज बेचारा पड़ा हुआ है तो मरीज को एक झटका लगता है, उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो नीचे गिरती है डॉक्टर को देख करके, तो डॉक्टर और मरीज के बीच का जो एक दोनों के ड्रेसअप होने के तरीके में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है, एक तरीके की कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है जिससे कि मरीज के अंदर एक हीन भावना आती है।
ओके तो मरीज के अंदर जब इस तरीके की झटका लगता है उसको हीन भावना का, तो इससे मरीज अपनी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना बंद कर देता है, यानी उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो नीचे गिर जाती है। तो नार्सिसिस्ट इसी तरीके के हमको झटके देता है। जब इस तरीके के झटके देता है तो हमारी जो हीन भावना है उसका हमें झटका लगता है, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड कन्फ्यूज हो जाता है। पहली लेयर जो हमारा फ्रंटल माइंड है वो कन्फ्यूज हो जाता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड जो लाइफ को फेस करता है वो कन्फ्यूज हो जाता है, और जब वो कन्फ्यूज हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड एक्सपोज हो जाता है। अब हमारा सेल्फ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बंद हो गया कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि वो समझ नहीं पाया, उसे रीएश्योरेंस मिलना बंद हो गया, तो जब रीएश्योरेंस मिलना बंद हो गया तो वो कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज हो गया तो वो बंद हो गया, बंद हो गया तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सपोज हो गया। अब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सपोज हो जाता है तो हम सजेशंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब सजेशन प्रोन हो जाते हैं हम, बहुत ही सजेशन, उस वक्त हमें कोई भी अगर सजेशन दिया जाए तो हम वो सजेशंस तुरंत ले लेते हैं, और वो हमारे लाइफ के एक बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी लाइफ में वो डालते हैं। ऐसे वक्त पे जब कंफ्यूजन की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सपोज हो जाता है, नार्सिसिस्ट इस वक्त पर हमको सजेशंस देता है। जैसे उसने हमारे किसी काम को कह दिया कि अरे ये क्या है, बेवकूफ़ी भरा काम आप करके लाते हैं, यू आर स्टूपिड, ऐसे बोल दिया, या उसने कुछ हमें इस तरीके से बोल दिया, ये क्या है, इस तरीके की चीज़ है, ये इतना भी आपको नहीं आता, ऐसे बोल दिया, तो उससे हीन भावना की वजह से तो हमारा पहले कॉन्शियस माइंड स्टॉप हो ही चुका है, कन्फ्यूज हो ही चुका है। अब हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी ये सजेशन ले लेता है कि हम जो है किसी काम के नहीं हैं, हम यूजलेस हैं, और इस तरीके से हम वो हिंट लेने लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त पे हम जो है एक, मतलब गैस लाइटिंग भी हमारे साथ की जा सकती है। तो नार्सिसिस्ट ऐसे वक्त पर गैस लाइट करता है, यानी हमारी रियलिटी को ही हमें ये दिखा देता है, ये दर्शा देता है कि हम अपनी जो, हमारे अंदर ये भी एबिलिटी नहीं है कि हम अपनी रियलिटी को सही तरीके से समझ पाएं। तो इस तरीके से वो हमें गैस लाइट करने लग जाता है, और हम चूंकि हमारा उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड एक्सपोज रहता है, इसलिए वो हम सारे गैस लाइटिंग सजेशंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता जाता है, और हमारी जो हीन भावना है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट जो है हमको हीन बना देता है, और हम हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। हिप्नोटिज्म में भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, हमारे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उस कॉन्शियस माइंड को धीरे 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 करके स्टॉप कर दिया जाता है, और उसके बाद जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्सपोज हो जाता है तो उसको सजेशंस दिए जाते हैं। उन सजेशंस को ले करके हम जो है उन सजेशंस को जैसे जैसे हम फॉलो करते जाते हैं, हमारे अंदर हिप्नोसिस वैसे वैसे उसी टाइप की हिप्नोसिस बढ़ती जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी नार्सिसिस्ट फॉलो करता है, और इस तरीके से हमारी जो हीन भावना है वो बढ़ती जाती है। अब हमें इस हीन भावना को कैसे दूर करना है, तो देखिए ये थोड़ी सी मैच्योरिटी की बात है, और सबको ये बात समझनी चाहिए कि जब आपके साथ कोई एबनॉर्मल भी सिचुएशन हो, जब आपको एनवायरनमेंट से कोई रीएश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ये आप इसको क्यों समझ लेते हैं कि ये आपके अंदर कमी है, इसको ये क्यों नहीं समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति का ये डिसऑर्डर है। अगर वो क्लियर वॉइस में नहीं बोल रहा है, पूरे शब्दों को का प्रयोग नहीं कर रहा है, बहुत तेजी से हैमरिंग वॉइस में बात कर रहा है, या बिल्कुल जितना जरूरी है उतनी स्पीड में नहीं बोल रहा है, बहुत ही कम स्पीड में, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा है, या फिर वो जब आपसे बात कर रहे हैं तो कोई और काम कर रहा है, या मोबाइल अपना देखने लग रहा है, तो आप ये क्यों समझते हैं कि आपकी किसी कमी की वजह से, आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये उसके डिसऑर्डर की वजह से है जिसकी वजह से ये व्यक्ति ये काम कर रहा है। तो आप उसके डिसऑर्डर को ओन करके खुद हीन भावना का शिकार होने के बजाय, ये उस व्यक्ति का डिसऑर्डर है कि वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पा रहा है। तो जब आप ये बात देख पाते हैं तो फिर आप जो है आपका सेल्फ अश्योरेंस बिगड़ता नहीं है, आप एनवायरनमेंट से उसी तरीके से रीअश्योरेंस लेते रहते हैं, और जब आपकी सेल्फ स्टीम नहीं गिरती है तो कोई नार्सिसिज्म आपके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब सेल्फ स्टीम ही नहीं गिरी तो फिर आप कोई हीन भावना का सजेशन लेंगे ही नहीं, हीन भावना का सजेशन नहीं लेंगे तो फिर हर तरीके का जो नार्सिसिज्म है वो आपके सामने निष्प्रभावी हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो इसलिए हम हर चीज को अपने अंदर कमी की निगाह से देखने के बजाय इस तरीके से भी थोड़ा देखें कि ये दूसरे का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हम इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। फिर मैंने देखा है कि अगर हम थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा
डीप ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग करते हैं, और हम थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपनी नेगेटिविटी को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में करते हैं, या जाप इत्यादि करते हैं, और इस तरीके से अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो इससे हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है तो फिर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर हमारे साथ करता है तो भी हमारी सेल्फ स्टीम गिर नहीं पाती और हम अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं और हम हीन भावना का शिकार नहीं हो पाते, और ऐसी सिचुएशन में नार्सिसिस्ट का नार्सिसिज्म निष्प्रभावी हो जाता है।